दोस्तों, अब मैं आपको सुनवाने चाहता हूं दो लोगों के साथ जो मेरी बातचीत हुई थी। सबसे पहले सुनिए इस महोदय के साथ मेरी बातचीत। ये हिंदू युवा वाहिनी के हैं, खुद को योगी का भक्त बताते हैं, योगी आदित्यनाथ का भक्त। इन्होंने मुझे गाली नहीं दी, मगर ये मुझसे लगातार ये कहते रहे कि भाई तुम शर्मा हो, तुम पंडित हो, तुम हिंदू होते हुए मुसलमानों को गाली क्यों नहीं देते? तुम्हारे लिए हिंदू होना पहले होना चाहिए, देश बाद में आना चाहिए। सुनिए इनसे मेरी ये बातचीत। जी, मैं योगी आलोकनाथ बोल रहा हूँ, हिंदू युवा शक्ति प्रदेश प्रचारक उत्तर प्रदेश। हाँ जी, हाँ बोलिए सर। जी अभी सर शर्मा जी बोल रहे हैं आप? हाँ बोल रहा हूँ जी। अभी मेरा आपको मेरा नंबर दिया मेरा। हाँ जी, आप दिल्ली से बोल रहे हैं सर? ये बताइए, हाँ आप क्या करते हैं भैया? मैं क्या करता हूँ? बेरोजगार हूँ सर, आपकी तरह बेरोजगार हूँ मैं भी। बोलिए। मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं तो हिंदू सेवा करता हूँ। आप क्या करते हैं? जी मैं देश सेवा करता हूँ, मैं भी देश सेवा करता हूँ। बोलिए। और मैं भी शर्मा हूँ, आप भी शर्मा। आपको आपका नंबर लोगों ने गाली देके ही लिखा था, लेकिन मैंने कहा, मैंने लोगों को समझाया है, मैंने कहा गलत बात है, पहले आप गाली मत दीजिए, उनसे मैं बात करता हूँ। सर ऐसा है, सुनिए ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए आप। मेरे लिए मेरा धर्म जो है ना, वो मेरा निजी चीज है, मगर मेरी पहली पहचान है भारतीय होने की। और एक बतौर भारतीय होने की, अगर मेरे सैनिक मारे जाते हैं सरकार की लापरवाही से, तो मैं इस सरकार से सवाल करूंगा सर। मैं सवाल करूंगा बिल्कुल, मैं भी करता हूं, मैं भी मोदी जी को कहता हूं। लेकिन हम लोगों का मकसद ये है भैया कि गलत करने वाला हर मुस्लिम होता है, तो हम इनसे नफरत करें, क्योंकि ये कम नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, आप क्यों गलत कह रहे हैं शर्मा जी? मैं आपको बताता हूं, गलत कह रहा हूं, गलत कह रहे हैं। अब इन महाशय से मेरी बातचीत सुनिए। इन महाशय को तो यह भी नहीं पता था कि ये मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा नंबर देखा, इन्होंने मुझे कॉल करके गाली देनी शुरू कर दी। मैं इनसे लगातार ये पूछता रहा कि भैया मुझे ये तो बताओ तुम कॉल क्यों कर रहे हो, तो मुझे कहते हैं कि आप देश विरोधी नारे लगाते हैं। नहीं, ये भी नहीं पता था मैं क्या करता हूँ। सुनिए, तुम जानिए तुम्हारा किसी है हिंदुस्तान के बारे में कितना बोलेंगे तुम, हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेंगे और मूल्य कुछ ही रहेंगे हिंदुस्तान में मूल्य। बट एक बात तो बताओ, आप गाली दे क्यों रहे हो? आप मुझे गाली दे क्यों रहे हैं? हम गाली किससे बात कर रहे हैं? गाली से बात ही नहीं कर रहे हैं। देखो हिंदुओं के विरुद्ध जाओगे ना, कौन जा रहा है हिंदुओं के विरुद्ध? और तू धमकी दे रहा है मुझे मारने की? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और सुन वायरल हो रहा है, और आप जो हिंदुओं के बारे में गलत बात कर रहे हो ना। कौन कर रहा है गलत बात? अरे क्या गलत, ये तो बता मुझे पहले, क्या गलत बात की मैंने? ये तो बता, नंबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पूरा हिंदुस्तान में। नहीं सुन सुन सुन, तुझे किसी ने बताया? तूने खुद देखा मैंने कुछ गलत बोला? आप कौन बोल रहे हो मालूम है? आप कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहा है बता? दो मिनट रुको, मैं बताता हूँ कौन बोल रहा हूँ। नहीं तो आप खिलाफ ऐसी नारेबाजी नहीं की तो अरे मैं ऐसे किसने डाल दिया हमारे? अरे मैं नारेबाजी क्यों करूंगा? मैं कोई धरना देने वाला थोड़ा हूँ, मैं सिर्फ पत्रकार हूँ। मैं तो पत्रकार हूँ आप? हाँ, मैं क्या नारेबाजी करूंगा? मैं कोई कार्यकर्ता थोड़ा हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का, बगैर चीजों को जाने आप लोग उल्टा सीधा बोल रहे हो। अरे सर मेरी बात तो सुनो। इन दो लोगों से हमारी बातचीत सुनने के बाद इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, अंधभक्त, नफरत से बुझे, ब्रेन वॉश्ड, भीड़ तंत्र के भेड़। ये तमाम लोग भेड़ हैं, इन्हें जिस तरह से हांका जा रहा है वो लोग वहीं चल रहे हैं। इनके पीछे तर्क नहीं है, इन्हें यह भी नहीं पता कि ये क्यों आपको गाली दे रहे हैं। इन्हें जैसे हांक दिया गया ये वैसे हांके जा रहे हैं। क्या यह सवाल उठाया जाना लाजमी नहीं है कि जो इंटेलिजेंस फेलियर हुई है, जिसके चलते हमारे 40 जवान शहीद हुए, उस इतिहास को दोबारा ना दोहराया जाए? उसके लिए हम सवाल करें सरकार से, उसे कटघरे में रखें। जो सरकार इस मुद्दे पर सियासत कर रही है, वोटों की राजनीति कर रही है, हम उन्हें कटघरे में रखें? क्या यह सवाल गलत है? दोस्तों, मैं बाकी लोगों का तो नहीं जानता, मगर न्यूज चक्र में हमेशा से मेरा वादा रहा है कि हम वो मुद्दे उठाएंगे जिनका ताल्लुक आपके साथ है। हम वो मुद्दे उठाएंगे जिसके जरिए हम उस सोच को एक्सपोज करें किस तरह से लोगों को कठपुतलियां बनाकर उन्हें नचाया जाता है। यह है ताकत हमारे शो की, यह है ताकत न्यूज चक्र की, यह है ताकत न्यूज क्लिक की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।